नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका डीसी साइट इंजीनियर चैनल पे। और सिविल साइट की सही जानकारी है आपके लिए लाया, बाकी सब है मोह माया। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा माई वन स्लैब जो है उसका सबसे पहला वाला स्लैब कैसे करते हैं, या पहला स्लैब करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, या उसका प्रोसीजर क्या होता है, उसके बारे में है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो हमारा है ये माई वन का पहला स्लैब है। इसमें सबसे पहले सर्वेयर ने पॉइंट दिया हुआ रहता है, उस पॉइंट के हिसाब से हम लोग, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो ठेसी मारा है इसको फिक्सिंग ऑफ टिम्बर स्टे कहते हैं। ये सबसे पहला प्रोसेस है माई वन स्लैब का, ठेसी को फिक्स करना। और ये देखिएगा यहाँ पे ये सर्वेयर ने पॉइंट दिया हुआ है, और सेम और ऐसा ही सेम पॉइंट उस जगह पे है, देखिएगा पीछे प्लाई पे, प्लाई के ऊपर दिखतेगा जूम कर, ये देखिएगा ये सेम पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट से वो जो अभी पॉइंट दिखाया है वो पॉइंट पे लाइन डोरी बांध के उसके रेफरेंस से ये फिक्सिंग ऑफ टिम्बर स्टे, यानी कि ये जो ठेसी है ये ठेसी हम लोग मारते हैं। अभी ठेसी कैसा मारते हैं हम लोग सुनेंगे हमारे साइट के काम करने वाले राकेश से। राकेश थोड़ा बताइए ये ठेसी कैसा मारते हैं। हेलमेट, ये ठेसी आप कैसा मारते हो, ये जो सर्वेयर ने जो दिया हुआ रेफरेंस है उससे लेके? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी का धन्यवाद, और आपके माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला। और जहाँ तक ये ठेसी का बात है तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मैवान जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और इसका मेजरमेंट जो होता है वो किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, पिन देख रहे हैं, ये सर्वेयर वाले जो होते हैं सर वो दे करके जाते हैं। तो एग्जाम्पल, अगर यहाँ से इस ठेसी का डिस्टेंस अगर 500 है तो मुझे उससे 5 mm कम रखना है। 5 mm कम इसलिए रखना है क्योंकि 5 mm जो होता है वो पैनल का थिकनेस जो होता है वो 5 mm होता है। तो पैनल जो है सो जब हम हटाएंगे तो उसका जो ये होता है कंक्रीट का जो फेस होता है वो 5 mm मेकअप हो जाएगा। तो एग्जाम्पल, अगर यहाँ से ये 500 है तो मुझे ठेसी जो मारना है वो 495 पे ही मारना है, 5 mm कहीं भी कम करके मारना है। और उल्टा अगर हम कहीं अगर ग्रिड लाइन से देखेंगे तो 5 mm कम करके मारेंगे, और कीकर से कहीं कहीं हम लोग कीकर से नाप के भी मार देते हैं तो कीकर से जब हम मारेंगे तो उसमें 5 mm ऐड करके मारेंगे। धन्यवाद। अभी आपने सुना राकेश जी ने कहा है कि ये जो ग्रिड लाइन दिया हुआ है इससे वो जो मेजरमेंट है, फॉर एग्जांपल 500 उनका मेजरमेंट है तो वो 495 पे ठेसी मारते हैं, क्योंकि 5 mm जो है वो माई वन पैनल का थिकनेस रहता है आरके का। अभी हम बात करेंगे, अभी ठेसी हो गया हमारा, तो ठेसी होने के बाद जो पहला स्लैब रहता है उसमें आउटर में हम लोगों के पास माई वन का किकर नहीं रहता है, तो हम लोग देखिएगा इस प्रकार वुडन किकर मारते हैं। ये देखिएगा ये जो काम चालू है ये वुडन किकर का काम चालू है, आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे। ये जो वुडन किकर रहता है ये हम लोग जो बिल्डिंग है उसका जो भी आउटर है ये आउटर में पूरा जगह पे ये वुडन किकर लगाते हैं। वुडन किकर उस जगह पे लगाते हैं जिस जगह पे माई वन का ओरिजिनल किकर आने वाला रहता है, मतलब जिस जगह पे माई वन का किकर लगेगा उसी जगह पे हम लोग वुडन किकर प्रोवाइड करते हैं। अभी इस वुडन किकर के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हमारे मिस्त्री संजू मिस्त्री है उनसे लेंगे, थोड़ा संजू मिस्त्री हमको इस वुडन किकर के बारे में बताएंगे। वुडन किकर जो है वो आप किस प्रकार फिक्स करते हो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये किकर हम फिक्स करते हैं, पहले मापी लेते हैं, मापी के बाद इसका लेवल देखते हैं, लेवल के हिसाब से मारा जाता है ये किकर, और इस पे मेहमान आता है। आपको लेवल निकालने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या कौन कौन सी चीज़ें आपको लगती है लेवल के लिए? सबसे पहले लेवल निकालने के लिए मुझे ये पाइप लगता है, लेवल पाइप, और टेप भी लगता है, और मार्किंग करने के लिए मेरे पास मार्कर चाहिए या वाइटनर चाहिए, ऐसा कुछ लगता है।
तो कुछ मतलब आप लेवल कहीं पे आपका लेवल का रेफरेंस रहेगा उस लेवल से लेते होंगे ना आप? जी हाँ, लेवल दिया रहता है, लेवल सर्वेयर पॉइंट दे के जाता है लेवल, उसके हिसाब से लेवल हम लोग ट्रांसफर करते हैं जहाँ जहाँ। हाँ, कंक्रीट का फेस से लोगे तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, कंक्रीट का फेस से नहीं ले सकते, ये हमारा लेवल दिया हुआ है, मार्किंग दिया हुआ है, उससे हम 50 mm टाइट इसको रखते हैं कंक्रीट का फेस से, उसके हिसाब से दिया जाता है। हाँ, आप बताइए सर। आपने बहुत अच्छा पूछा है कि जगह जगह लेवल देखने का जरूरत क्या है, जब एक ही लेवल में पूरा स्लैब भरा हुआ है, तो आपका कहना भी सही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं जो है सो लेवल बराबर नहीं रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। वैसे देखने जाएगा तो स्लैब के टॉप से जो है कीकर 50 mm हाइट होना चाहिए, 50 mm मिनिमम जो है सो उसका 50 mm होना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है तो कम ज़्यादा भराई होने के कारण लेवल देखना ज़रूरी हो जाता है, ना होना पड़े और गड़बड़ ना हो। ओके, अभी आपने देखा कि जो वुडन किकर हम लोग लगाते हैं, वो वुडन किकर लगाने के लिए हम लोगों को एक लेवल का रेफरेंस, अभी आपने देखा कि हम लोग वुडन किकर जो लगा रहे हैं, तो ये वुडन किकर लगाने के टाइम पे हम लोगों को एक लेवल का रेफरेंस होना चाहिए, उस लेवल के रेफरेंस से ही हम लोग किकर का टॉप फिक्स करते हैं, और वुडन किकर का टॉप कम से कम 50 mm रहना चाहिए। ये अभी हाँ राकेश जी हमको अभी और डिटेल में बताएंगे उसके बारे में। ये लेवल जो है यहाँ से 400 मिलना चाहिए और 400 मिल भी रहा है। इस ये लेवल जो है सो हम लोगों को सर्वेयर वाले जो इंजीनियर होते हैं वो दे करके जाते हैं, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्लैब से जो है ये 50 mm कीकर का जो हाइट है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो ये जैसे यहाँ से ये मुझे 400 मिल रहा है, और जब हम इस कीकर से देखेंगे तो ये 350 मिलेगा, तो 450 जो है सो आपका लेवल से कीकर का टॉप 350 मिलेगा, और कंक्रीट से जो है वो 400 मिलेगा, यानी कि दोनों में 50 mm का डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर कंक्रीट का लेवल बराबर रहेगा तो ही उसका टॉप हमको 50 mm टाइट मिलेगा, अगर मेरा कंक्रीट डाउन है या मेरा कंक्रीट टाइट है तो मेरे को वो किकर का लेवल में डिफरेंस मिलेगा बराबर। इसलिए मुझे लेवल जो है सो इसी वजह से हम लोग लेवल जो है सो हर जगह आपको कुछ देर पहले दिखाया है कि इसलिए हम लोग इस पर निर्भर नहीं रहते हैं, और अपना जो है सो लेवल हर जगह चेक कर लेते हैं ताकि बाद में मुझे परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ओके, अभी देखिएगा ये जो वुडन किकर है ये हम लोग लेवल के हिसाब से क्यों मारते हैं, क्योंकि कभी कभी कंक्रीटिंग के समय पे जो स्लैब का थिकनेस है वो कभी कभी टाइट हो जाता है या डाउन हो जाता है, मतलब किसी जगह पे ज़्यादा कंक्रीटिंग हो जाता है तो किसी जगह पे कम कंक्रीट हो जाता है, उसकी वजह से हम लोग स्लैब टॉप से किकर का टॉप फिक्स नहीं करते, हम लोग एक रेफरेंस लेवल लेते हैं जो सर्वेयर दे के जाता है, तो वो सर्वेयर का जो रेफरेंस लेवल रहता है या नीचे किधर लेवल रहेगा वहाँ से रेफरेंस लेके हम लोग वो लेवल लेते हैं, वो लेवल ये है, और इस लेवल से हम लोग किकर का टॉप फिक्स करते हैं। मान लीजिए ये 400 पे ये लेवल है हमारा ये स्लैब टॉप से, तो मेरे को ये किकर का टॉप इस लेवल से 350 मिलना चाहिए, फिर भले ही ये जो हाइट है ये 50 ना रहे, ये 50 से कम भी रह सकता है या 50 से ज़्यादा भी रह सकता है। भी ये जो लेवल है ये हम लोग दो चीज़ से देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हम लोग ऐटो लेवल भी लाके रखा है, तो ये ऐटो लेवल से भी हम लोग लेवल चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा ये जो मशीन है इसको ऐटो लेवल कहते हैं, ये मशीन से हम लोग किकर का टॉप बराबर है या नहीं ये चेक कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक सिंपल और आसान तरीका है, ये जो सदियों से चलते आया है ये लेवल ट्यूब वाला, ये देखिएगा जब हम किकर फिक्स करते हैं तो वो किकर फिक्स करने के बाद वो किकर आपस में भी एक लेवल में होना चाहिए। ये देखिएगा अभी यहाँ पे ये किकर का लेवल चेक कर रहे हैं लेवल ट्यूब के ज़रिए से, ये देखिए वो देखिएगा यहाँ पे ये पानी का लेवल है, ये किकर का टॉप में है, और सेम ये देखिएगा ये एंड पे भी जो वाटर का जो लेवल है वो किकर का टॉप में है। इसका मतलब ये है कि ये जो किकर अभी फिक्स किया है हमारे संजू मिस्त्री ने, ये एक लेवल में और प्रॉपर फिक्स किया हुआ है।
अगर इस लेवल में समझ लो दोनों तरफ का जो वाटर लेवल है वो अगर एक लेवल में नहीं रहेगा या किकर का टॉप में नहीं रहेगा तो समझ लेना कि ये किकर जो फिक्स कर रहे हैं इसमें गड़बड़ है, या तो ये डाउन है या तो टाइट है। जब हम किकर फिक्स करेंगे और किकर फिक्स करने के समय ये वाटर लेवल जो है अपना लेवल ट्यूब, इसके हिसाब से ये जो किकर का लेवल है वो प्रॉपर मिलना मांगता है। और एक चीज़, जब हम किकर फिक्स करते हैं तो इसमें दो चीज़ रहना चाहिए। सिर्फ जो हम लोग ये वाटर प्रूफिंग वाला प्लाई फिक्स कर रहे हैं 12 mm का, सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए, उसके पीछे ये जो पट्टी मारा है 4.5 का, ये पट्टी भी रहना चाहिए, क्योंकि जब कंक्रीट का प्रेशर आएगा तो ये किकर का लाइन बेंड नहीं होगा, तो कंक्रीट का जो प्रेशर को वो रिटेन करने के लिए हम लोग उसके पीछे ये पट्टी प्रोवाइड किया है। देखिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये वाटर प्रूफिंग का प्लाई है हमारा 12 mm, और इसके पीछे ये जो लगाया है ये, और ये हमारा पट्टी है, ये पट्टी रिटेन करेगा कंक्रीट प्रेशर को। स्टार्ट है ना? अभी देखिएगा, मैं जैसा आपको बताया था कि वाटरप्रूफिंग प्लाई के पीछे हम लोग पट्टी लगाता है, ये देखिएगा, ये वाटरप्रूफिंग प्लाई, उसके पीछे ये पट्टी, और अभी ये जो हुआ है हमारा, इसको फिक्स करने के लिए हम लोग प्लम्बिंग नेल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इसका डिस्टेंस कम से कम 450 पे रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर 450 से ज़्यादा रहेगा तो बोल नहीं सकते, कभी कंक्रीट प्रेशर आया तो ये रिटेन नहीं कर पाएगा, और ये अगर ये फेल हो गया या निकल गया यहाँ से तो आपका भारी मात्रा में नुकसान हो सकता है कंक्रीट का, क्योंकि एक बार मायवन स्लैब में कंक्रीट किधर से निकलना चालू हुआ तो वो जल्दी रुकता नहीं है, तो आपका 1.5 mm³ या उससे ज़्यादा ही नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो कंक्रीट का जो खिला है प्लम्बिंग नेल, ये कम से कम 450 पे ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और इस प्रकार वुडन किकर फिक्स करना चाहिए। अगर आप इस प्रकार वुडन किकर फिक्स करोगे तो आपका लेवल भी बराबर रहेगा और आपका जो काम है वो अच्छा होगा। अभी हमारा वुडन किकर के बारे में भी बात हो गया है। अब वुडन किकर के बाद हम लोगों को ध्यान देना है ये जो आउटर का, जो देखिएगा, ये जो ब्रैकेट फिक्स किया हुआ है, ये ब्रैकेट के ऊपर ये वर्किंग प्लेटफॉर्म का ब्रैकेट है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो वहाँ से मिलेगा। लेकिन जो पहला स्लैब होता है इसमें वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों को प्रोविज़न करना पड़ता है पीवीसी स्ल्यू या पीवीसी जो पाइप है वो कॉलम बीम उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है कॉन्क्रीटिंग से पहले, और उसी होल से हम लोग, ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो एंकर नट है वो एंकर नोट और 16 mm टायरॉड के मदद से हम लोगों ने ये जो छज्जे के ऊपर ब्रैकेट है उसको फिक्स किया है। सेम उसी प्रकार ये जो बीम में आपको ब्रैकेट दिख रहा है, ये देखिएगा, ये बीम साइड में जो ब्रैकेट लगाया है वो ब्रैकेट को भी हम लोग एंकर नट और 16 mm के टायरॉड के सहाय से फिक्स किया है। ये जो ब्रैकेट है इसका मेन फंक्शन ये है कि इसके ऊपर हम लोग प्लैंक डाल के उसको एक वर्किंग प्लेटफॉर्म के जैसा बनाते हैं, और इस वर्किंग प्लेटफॉर्म के मदद से हम लोग आउटर का जो शटरिंग है, आउटर में जो रेनफोर्समेंट है या आउटर में जाके हमको कुछ काम करना है तो वो काम हम लोग इस ब्रैकेट की मदद से कर सकते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये देखिएगा ऊपर, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे, ये ऊपर का जो ग्रीन नेट आपको दिख रहा है, ये देखिएगा, ये जो आपको ग्रीन नेट दिख रहा है उसके नीचे ब्रैकेट है, सेम उसी प्रकार इस बिल्डिंग में भी होगा। नेट इसलिए लगाते हैं कि ऊपर से समझ लो पिन भेज या कोई भी चीज़ गिरे तो वो डायरेक्ट नीचे ग्राउंड पे नहीं गिरनी चाहिए, अगर वो नीचे ग्राउंड पे गिरा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हम लोग ये ब्रैकेट के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेसिंग पाइप लगा के वो ग्रीन नेट प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ों का हम लोगों को फर्स्ट स्लैब में ध्यान देना चाहिए। अभी देखिएगा, यहाँ पर कुछ हुक प्रोवाइड किए हैं हम लोगों ने स्लैब में, ये हुक इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि इस हुक के सहाय हम लोग ये जो आउटर का जो शटरिंग है, अभी शटरिंग तो पूरा वुडन किकर पे उतना प्रेशर आएगा तो रुकेगा नहीं या कुछ एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, तो ये हुक
के सहाय से हम लोग टर्न बकल लगा के वो शटरिंग को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं। जब भी कंक्रीट प्रेशर आएगा तो पूरा प्रेशर आउटर में ना जाए उसके लिए, और आउटर में ना जाए और ये शटरिंग का जो अपना एक्चुअल पोजीशन है वो एक्चुअल पोजीशन हमारा शटरिंग छोड़ के दूसरा जगह पे ना जाए। इसकी वजह से हम लोगों ने ये जो कंक्रीट का जो ये जो स्लैब है हमारा, तो ये स्लैब में हम लोगों ने ये हुक प्रोवाइड किए हुए हैं। मायवन स्लैब जो पहला मायवन स्लैब है इसमें जो पहला मायवन स्लैब होता है इसमें हम लोगों को बहुत केयर करना पड़ता है। अगर इसमें हम लोगों से कुछ भी छूट गया, इवन सिर्फ ये आउटर का पीवीसी पाइप डालने का अगर हम लोग भूल गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो हमारा मायवन का फर्स्ट स्लैब होता है उस स्लैब में हम लोगों को बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ता है और एकदम अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ में गलती ना हो, 100% काम ओके ही होना चाहिए। ये हमारा मोटो होना चाहिए मायवन का फर्स्ट स्लैब में। फर्स्ट